रावलपिंडी में स्पेशल जज सेंट्रल खालिद शबीर ने अंजुम अकील की दरख्वास्त जमानत की समाअत की। रुकन कौमी असम्बली के वकील जफर अली शाह ने दलाइल में कहा कि उनके मोक्कल पर फौजदारी मुकदमा सिरे से बनता ही नहीं, ये लेन देन का मामला है जो मिल बैठ कर तय किया जाना चाहिए। कोर्ट का फैसला है, अब हम दोबारा इसी अदालत में आफ्टर अरेस्ट जो है वो मूव करेंगे। पुलिस फाउंडेशन के वकील बाबर सईद बट ने दलाइल में कहा कि अंजुम अकील ने एक ही जमीन कई बार फरोख्त की, पुलिस फाउंडेशन को जमीन की मुंतकली का वादा किया लेकिन मुकर गए और दूसरे शराकत दारों के जरिए हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिया। इन्होंने 162 कनाल नेशनल पुलिस फाउंडेशन से अलाट करवाई और उसके बदले जो NPF को दी वो टोटल 71 कनाल थी। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर अंजुम अकील, पुलिस फाउंडेशन के साबिक डायरेक्टर लैंड अब्दुल हन्नान और साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर चौधरी इफ्तिहार की अबूरी जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। FIA ने मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया जिन्हें कल ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा।